हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने दोबारा आया हूँ। तो मैं आज आपको बॉस की 8 kg का डेमो दूंगा, जिसका मॉडल नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जो कि मॉडल नंबर वैसे तो है इसका WOE-801D0IN। तो अगर मैं इसके डेमो की बात करूँ और इसके फीचर्स की बात करूँ, तो बॉडी रफ एंड टफ में आती है, स्मार्ट डोर क्लोजिंग के साथ आता है और ये आपका व्हील्स के साथ भी आता है। तो इसके मेन फीचर क्या है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि इसके मेन फीचर क्या है। पहले तो मैं आपको पूरी मशीन का डेमो दूंगा कि मशीन में एक्चुअली है क्या। पहले मैं आपको इसके मशीन का टॉप का डेमो दे देता हूँ। आइए, तो अगर इसके टॉप में देखेंगे तो इसका ये पूरा पैनल है, बैक पैनल है। बैक पैनल का ये फायदा हो गया कि जब भी आप कपड़े अनलोडिंग और लोड करते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा फ्रंट पैनल होता है, फ्रंट पैनल में क्या होता है, पानी के छींटे वगैरह पड़ सकते हैं, पानी गिर सकता है। बट बैक पैनल में क्या होता है, बैक पैनल में आपका पानी नहीं गिरेगा। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो इसके मैनुअली यूज भी कर सकते हो आप, और आपका फजी लॉजिक भी यूज कर सकते हो मैनुअली। इसको मीन एक्सपर्ट केयर क्यों बोला जाता है, इसके एक्सपर्ट केयर भी बोला जाता है। एक्सपर्ट केयर इसके लिए बोला जाता है क्योंकि आप इसको यूज कर रहे हो मैनुअली, तो यानी आप एक्सपर्ट हो जो कि आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसको स्मार्ट सजेस्ट की बात करूं, तो स्मार्ट सजेस्ट का मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली सेंस करेगा कि आपने किस फीचर्स पे रखा है और किस फीचर पे ये यूज हो रही है मशीन, यानी ये ऑटोमेटिकली कपड़े को धोएगी, सुखाएगी और बंद हो जाएगी। अब अगर मैं इसकी 3 मेन फीचर की बात करूं, तो आप इसके स्टिकर पे देख रहे होंगे, तो इसके 3 मेन फीचर है, स्क्रबिंग, टम्बलिंग एंड क्लीनिंग। तीनों फीचर मैं आपको डिटेल बताऊंगा, स्क्रबिंग क्यों बोलते हैं, टम्बलिंग क्यों बोलते हैं, क्लीनिंग क्यों बोलते हैं। पहले मैं आपको इसके पैनल पे ले चलता हूँ। पैनल पे आप देखिए, इसके पैनल में अगर आप देखेंगे तो वॉश टाइप लिखा हुआ है। पहले वॉश टाइप में क्या होता है, माइल्ड, नॉर्मल, इंटेंसिव। माइल्ड नॉर्मल इंटेंसिव पे अगर आप मैनुअली यूज कर रहे हैं, तो जैसे कि आपके थोड़ी हल्के गंदे कपड़े हैं, नॉर्मल कपड़े जो डेली डेली बेसिस के हैं, इंटेंस वाले हैं जो कि ज्यादा हैवी कपड़े हैं, तो उसमें धो सकते हैं। इसमें एक्स्ट्रा सोकिंग का भी ऑप्शन है। नॉर्मली आप कंपेयर टू, आपको किसी में भी सोकिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है 90 मिनट तक का, तो आपको इसमें 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट और 90 मिनट तक का भी सोकिंग का इसमें ऑप्शन मिल रखा है, जो कि ज्यादातर बेबी वेयर कपड़े होते हैं या फिर थोड़ी डर्ट्स वाले ज्यादा गंदे कपड़े होते हैं, उनको खगालना पड़ता है, सोकिंग करना पड़ता है, तो आपको इसमें सोकिंग का ऑप्शन मिल रखा है। यहाँ पे आपको वाटर लेवल शो कर रहा है, यहाँ पे आपको फेवरेट शो कर रहा है। फेवरेट का ये फायदा है कि मान लीजिए आप डेली बेसिस पे मिक्स लोड या फिर आप बेडशीट या व्हाइट कपड़े धो रहे हो, तो जैसे आपने व्हाइट कपड़े पे रखा और फेवरेट दबा दिया, तो वो क्या होगा, व्हाइट में ही सेलेक्ट होगा। नेक्स्ट आप जब वॉशिंग करते हो, अगर आप फेवरेट डायरेक्टली दबाते हो और स्टार्ट और ऑन करते हो, तो वो फेवरेट आपका डायरेक्टली व्हाइट पे ही स्टार्ट होगा, क्योंकि आपने फेवरेट अपना व्हाइट का लगा रखा है। ठीक है जी, नेक्स्ट फीचर आता है इसका आपका स्मार्ट सजेस्ट। स्मार्ट सजेस्ट का ये फायदा होता है, आपने मशीन में सर्फ एक्सल डाला, कपड़े ऐड करे और आपने मशीन को ऑन कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली स्मार्ट सजेस्ट में चले जाता है, यानी मशीन वॉश करेगी, रिंस करेगी और स्पिनिंग करेगी और ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। क्विक वॉश का ये फायदा है, क्विक वॉश का ये फायदा है कि अगर आप 3 से 4 या 5 कपड़े धो रहे हो, कम कपड़े धो रहे हो, तो कम कपड़ों के लिए क्या होता है, क्विक वॉश का टाइमिंग होता है, यानी 15 से 30 मिनट के अंदर। अदरवाइज जो नॉर्मल मशीन होती है, जो फजी लॉजिक चलती है, तो वो आपकी 45 से 55 मिनट का टाइमिंग लेती है, जबकि क्विक वॉश में आपका 15 से 30 मिनट का टाइमिंग होता है। ठीक है, ये क्विक वॉश का ऑप्शन हो गया। मिक्स लोड हो गया, मिक्स लोड में जैसे आपके मिक्स जितने भी कपड़े हैं, डेलिकेटेड कपड़े हो गए, बेडशीट्स होगी, अलग से बेडशीट का ऑप्शन दे रखा है, व्हाइट कपड़े हो गए, कॉटन 30 के लिए इसलिए दे रखा है क्योंकि बॉस एक जर्मन ब्रांड बेस कंपनी है, जो कि आपका बाहर से इम्पोर्ट होती है, यानी मशीन तो इम्पोर्ट, आप बाहर सारी मशीनें इंडिया में बन रही है, बट किसी भी बाहर वाली कंपनी को इंडिया में आने के लिए टेस्ट करना पड़ता है, यानी जो सेटिस्फाई होते हैं बी ब्यूरो ऑफ एनएजेसी, जो गवर्नमेंट होती है सरकार, तो उसको बताना पड़ता है कि हमारी ये जो मशीन है 30 डिग्री पे टेस्टेड है। अगर कोई मशीन 30 डिग्री पे टेस्टेड नहीं होती है, तो वो मशीन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी। तो बॉस में इन्होंने क्या कर रखा है, कॉटन 30 डिग्री लिख के दे रखा है कि हमारी मशीन भी टेस्टेड है, जो कि सेटिस्फाई है इंडिया के अंदर। अगर मैं नेक्स्ट फीचर की बात करूँ, तो टफ क्लीन। टफ क्लीन का मेन फायदा कब आता है, टफ क्लीन का मेन फायदा तब आता है जब आप हॉलीडे या वैकेशन पे जा रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हॉलीडे वैकेशन पे जाने से, तो आप उस कंडीशन में इस मशीन में डी स्केलिंग पाउडर लाते हो मजा मार्केट से और सर्फ एक्सेल बॉक्स में डालते हो, तो आप टब क्लीन पे लगाने के बाद उसको क्लीन कर देता है ये पूरी तरह टब क्लीन, यानी डी स्केलिंग पाउडर से। उससे क्या होता है, ड्रम की लाइफ जो होती है बढ़ जाती है। नेक्स्ट अगर देखते हो, तो ये टेम्परेचर डिस्प्ले है, सारा यहाँ पे टेम्परेचर डिस्प्ले आता है। अगर मैं इन फीचर की बात करूँ, वॉश रिंस स्पिन, वॉश रिंस स्पिन इसलिए दे रखा है क्योंकि आप मैनुअली यूज जब करते हो, अगर आपको वॉश नहीं करना है, रिंस नहीं करना है, आपको खाली कपड़ों को सुखाना है, तो ओनली आप स्पिन पे रख सकते हो, स्पिन भी नहीं करना है, वॉश भी नहीं करना है, खाली रिंसिंग करनी है कपड़ों की, तो आप रिंसिंग दबाओ और स्टार्ट कर दो, सिंपल तरीका है। अब इसमें आप देखोगे, इसमें एक एंटी टेंगल फीचर है। एंटी टेंगल क्या होता है कि आप एक साथ मिक्स लोड डाल रहे हो,
तो उसमें क्या होता है, मिक्स लोड में क्या होता है, जब आप कपड़े डालते हो तो कुछ उसमें डेलिकेटेड कपड़े होते हैं जो कि फटने के चांसेस होते हैं। तो इसमें क्या होगा, एंटी टैंगल में 1 से 2 लीटर पानी एक्स्ट्रा देगा, जिसकी वजह से आपके कपड़े फटेंगे नहीं और आपके कपड़े खुल के निकलेंगे, ये इसका बेनिफिट है। अब ये रही इसके पैनल का फीचर, इसका मैं बताता हूँ, ये है आपका स्मार्ट डोर। स्मार्ट डोर का ये फायदा है कि कभी भी आप इसमें कपड़े लोड अनलोड कर रहे हो तो डोर अगर अचानक से गिर जाए तो इसका हाथ में आपको हार्म नहीं होगा, यानी हाथ की सेफ्टी होगी, किसी की चीज टाइप की भी सेफ्टी होगी, यानी धीरे धीरे आएगा, एकदम से नहीं गिरेगा, ठीक है। अगर मैं इसके नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो मैं पूरी तरह आपको ड्रम के अंदर देख ले दिखाता हूँ कि इसके ड्रम में क्या क्या फीचर है। मेन है इसका डिटर्जेंट बॉक्स। डिटर्जेंट बॉक्स में इन्होंने 2 टाइप के दे रखे, एक दे रखा है आपका ड्राई का, एक आपका सॉफ्टनर का। अब इसमें फायदा क्या है कि आप इसमें ड्राई भी डाल सकते हो, लिक्विड भी डाल सकते हो। अगर आप मशीन के अंदर लिक्विड यूज कर रहे हो तो लिक्विड में क्या होता है, डिटर्जेंट जो होता है जल्दी जल्दी डिजोल्व होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी कपड़ों में आता है, तो जिसकी वजह से वॉशिंग क्वालिटी भी जल्दी हो जाती है और टाइमिंग भी सेव हो जाती है। क्योंकि अगर आप हार्ड सर्फ डालते हो तो उसमें क्या होता है, हार्ड सर्फ में ये होता है कि वो पहले गलता है, फिर झाग बनाता है, फिर कपड़ों में जाता है, फिर वो क्लीनिंग करता है। और जबकि लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में डायरेक्टली ही जाते ही वो डिजोल्व हो जाएगा, जिससे टाइम भी सेव होता है और वॉशिंग क्वालिटी भी बेटर बनती है। नेक्स्ट फीचर की अगर मैं बात करूंगा तो इसके ड्रम को मैं पूरी तरह दिखाया था आपको। इसमें ड्रम में आप देख रहे होंगे कि ये स्क्रबर है, ठीक है। पहला फीचर जो मैंने बताया था आपको स्क्रबिंग यही है कि इसमें चार तरफ है स्क्रबिंग। एक ये है और 2 इधर है नीचे की साइड, पीछे एक ये है और एक ये है। इसमें 4 स्क्रबर है। 4 स्क्रबर इसमें क्यों दे रखे है, जैसे कोई हैवी जीन्स के कपड़े हो गए वो आपके नीचे है तो क्या करते हो, नीचे ही रह जाते हैं, भारी हो जाते हो पानी के साथ, तो उनको स्क्रब करने के लिए इन्होंने ये ड्रम का साइड में चारों तरफ स्क्रबिंग दे रखा है। और जो हल्के कपड़े होते हैं उनके लिए ये ड्रम इन्होंने स्क्रबिंग ड्रम बना रखा है। आप साउंड लेवल सुन रहे होंगे, ये स्क्रबिंग है। तो इसको स्क्रबिंग के साथ साथ मतलब स्क्रबिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जो कि आपका प्रॉपर तरह से कपड़ों में से हैवी स्टेन रिमूव करता है। नेक्स्ट फीचर की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट फीचर में इसमें आपका लिंट फिल्टर आता है, जो कि आपका एक नहीं 2 लिंट फिल्टर है। आप देख रहे हैं इसमें 2 लिंट फिल्टर है। 2 लिंट फिल्टर का ये फायदा हो गया है कि इसमें अगर आप ज्यादा कपड़े धो रहे हो ना तो ज्यादा कपड़ों में भी ये लिंट को इजीली टू कैच करेगा और जो फिजिकल डस्ट होती है उसको भी ये कैच करेगा, आप इसको वैसे वापस लगा दिए। नेक्स्ट फीचर था इसका टंबल वॉशिंग कैसे बोलते हैं, ये देखिए आप देख रहे होंगे इसमें 2 टावर दे रखे हैं, ये टावर होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो नोजल दे रखा है आपको यहाँ पे, तो दोनों साइड में दे रखा है, जब ये मशीन वर्क करती है इधर भी दे रखा है, ये देखिए ये नोजल है। जब ये मशीन एंटी क्लॉक और क्लॉक वॉश करती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, पानी तेजी से फ्लैश होता है, जिसकी वजह से कपड़े आपके उलट पुलट होते हैं, जिसको भी टंबल वॉशिंग बोलते हैं, ठीक है। लास्ट फीचर था क्लीनिंग। क्लीनिंग क्यों होता है, जब ये तीनों के तीनों फीचर एक साथ वर्क करते हैं, टंबलिंग, स्क्रबिंग, ठीक है, और पंपिंग, ये मैंने बताया था आपको, ये है आपका पंपिंग टावर। जब भी ये वॉश होता है, आप देख रहे हैं, इसको मैं ऐसे करूंगा तो ये ऊपर की साइड आएगा, ये देखिए ये ऊपर की साइड आ रहा है, ये भी ऊपर की साइड आ रहा है। तो ये जब भी वॉश करते हैं तो ये पंपिंग करते हैं, यानी पानी का फ्लो बनाते हैं ऊपर की साइड। और ये जो डिजाइन है ये आपका वेरियो ड्रम डिजाइन इसको बोलते हैं, जो कि आप ऑलमोस्ट फ्रंट लोड में आता है, ये देखिए ऐसे करके स्लीक है, एक टाइप से गहरा है, एक टाइप से ऊंचा है, तो यानी ये कपड़ों को उठा के ऐसे पटकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है क्लीनिंग में आ जाता है ये टोटली। अगर मैं इसके नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो इसमें ये बैलेंसिंग इंडिकेटर दे रखा है। बैलेंस इंडिकेटर का सबसे मेन फायदा है, इसमें एक बबल्स होता है, अगर बबल्स आपका बीच में है तो उस कंडीशन में क्या होता है, मशीन आपकी स्टेबल है, यानी आपकी मशीन परफेक्ट चलेगी। अगर बबल्स बीच में नहीं है तो आपकी मशीन डिसबैलेंस है, यानी डिसबैलेंस का मतलब हो गया मशीन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर कभी भी आपके घर में इंजीनियर आए और ये वाली मशीन आप परचेस कर रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आप उनको बताइए कि मेरी मशीन प्रॉपर तरीके से स्टेबल होनी चाहिए, ताकि मशीन बाद में आवाज़ नहीं करे, खराब नहीं हो, ये मेन फीचर है। और अगर मैं इसके एक्स्ट्रा फीचर की बात करता हूँ, मशीन का बैक साइड दिखाता हूँ। बैक साइड में क्या है, इसका पकड़ने के लिए हैंडल, ठीक है, और 2 व्हील्स भी दे रखे हैं, ये देखिए ये आपके 2 पकड़ने के लिए हैंडल है बैक साइड में, और ये 2 नीचे व्हील्स है। यानी मशीन 8 kg की है, थोड़ा बहुत तो ये हैवी होगी ही, थोड़ा बहुत तो हैवी होगी। अगर मशीन आपको कहीं ग्राउंड फ्लोर अपना क्लीन करना है तो मशीन को हल्का टिल्ट करके मशीन को आप इधर से उधर मूव कर सकते हो, तो इसमें ये भी प्लस पॉइंट है। अगर इसकी मैं मोटर वोल्टेज की बात करूं तो 520 वॉट की मोटर है, मोटर भी हैवी है,
बेडशीट वगैरह धोते हो, चादरें वगैरह धोते हो, और इतना बड़ा ड्रम आपको, इतना बड़ा ड्रम साइज मिल रहा है। कपड़ा जितना खुल के धुलेगा ना आपका, उतनी वॉशिंग क्वालिटी बेटर होगी। और जो ये पल्सेटर है, ये 520 वाट का पल्सेटर है, जो कि आपके बेडशीट वगैरह चादर वगैरह को प्रॉपर तरीके से मूव करेगा। जितना ये मूव करेगा उतना कपड़ा आपका घूमेगा और वॉशिंग क्वालिटी बेटर मिलेगी। अगर मैं स्टार रेटिंग की बात करूँ तो ये 5 स्टार रेटिंग में आती है। अगर कलर की बात करूँ तो ग्रे कलर आता है। और वारंटी की मैं बात करूँ तो कंपनी इसमें टोटल 2 साल की वारंटी देती है और 10 साल की मोटर की देती है। सो आज आपको मैंने बॉस का 8 kg का डेमो दिया। आपको डेमो कैसा लगा कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।